हेलो दोस्तों दोस्तों देखिए बेमौसम का किसानों का क्या हाल हो रहा है। हम प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं। ये हमारे यहाँ देखिए कितना पत्थर गिर रहा है, पूरा नष्ट हो गया, खेती नष्ट हो गई, पूरा पूरा किसानों की बुरी हाल हो गई। दोस्तों सब टूट टाट गया, जिसका कच्चा मकान है उसके खपड़े टूट गए, और इस तरह से बेमौसम की बारिश हो रही है। आज भी पत्थर पर, ये दो दिन पहले का है, आज भी पत्थर पड़ रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, पत्थर पड़ रहा है। तो ये हाल है, क्या करें। पूरा भुखमरी आ जाएगा ये साल, ऐसा लग रहा है कि बारिश से भी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। जैसे बारिश के महीने में जुलाई अगस्त में बारिश होती है, उससे तेज़ बारिश हो रही है। आप लोग देखिए, उन्होंने कहा कि दिखाएं यूपी से बाहर जो लोग हैं, देखिए क्या हाल है यहाँ पे। ये पूरा कई स्टेट में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई जगह ये हालत हो रही है। इसकी वजह से हमारे गेहूं वगैरह देखिए कैसे गिर गए हैं सर। गेहूं की बहुत बुरी हाल हो गई है। आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए सब पत्ते, पेड़ के, आम के छोटे छोटे फल लगे थे, सब के सब गिर गए पूरा। और गेहूँ का तो बहुत बुरी हाल है दोस्तों, बहुत बुरी हाल है। जैसे देखिए मैं आपको गेहूँ दिखा रहा हूँ, ये देखो को गेहूँ ये 80% तक पक गया था और ये पूरा सो गया। इसमें 50% गेहूँ बर्बाद हो गया है। जो मिलेगा भी वो उसका कलर चेंज रहेगा और वो तो खाने में टेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उस पर पानी, अब कोई कोई तो नीचे से नया उग जाएगा, वो अंकुरित हो जाएगा। वो ऐसी हालत है। देखो हवा बहुत तेज़, आज तो ऐसी गरज के साथ बारिश हो रही है कि ऐसा लगता नहीं कि अब कुछ, ये गिरने के बाद ये डूब जाएगा पानी में। गिरा तो है और आज जो बारिश होगी उसमें डूब जाएगा पूरा। अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। किसान की हालत ऐसी है, आप लोग देखिए। हमने कहा कि जो ये सब दृश्य नहीं देखे हैं, शहरों में रहते हैं, उन देखिए किसानों की क्या हालत है। कितना कोशिश करके ये सब खेती बाड़ी किए थे, वो आज ये हालत है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, हम अपनी खेती दिखा रहे हैं, देखिए क्या हालत है। पूरा एकदम बर्बाद हो गया है। नष्ट हो गया है, देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करो कि अब तो बंद कर दें, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, बहुत कष्ट है, आप लोग देखिए, नमस्कार।